चैलेंज फिर कास्को में एक तो मम्मा का एक फॉलो तो बहुत ही कुछ जली हुई थी, वो कहने लगी जी आप जब देखो ग्रोसरी करते हो दिखाते, अभी और क्या दिखाएं, नाचते हम हैं नहीं, डांस हमें आता नहीं, गाना हमें आता नहीं, क्या दिखाएं आपको। घर से बाहर जब निकलते हैं तो बस वो उस वहाँ से ग्रोसरी करनी होती है वो दिखा दी बस। आज जो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप चलो ना देखें, जो देखते हैं उनको तो ना आप रोकें कि भी हम ये क्यों लगाते हैं, ये कहने की बात नहीं है। आपको नहीं अच्छा लगता आप ना देखें, जो अच्छी लगे इससे हटके के टॉपिक पे हुआ देख लें, आपकी अपनी च्वाइस है। आपने बड़े बरूद अंदाज से बड़े बदतमीजी अंदाज से कहा, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा चले। तो मेरा था कि अभी ये टारगेट तकरीबन ये 300-350 मैं आपको अपडेट कर दूँ, 300-350 का मेरे जहन में है कि आज का जो हमारा बिल होगा देखते कितना बनता है, 350 होना चाहिए। तो सो ये है कि यही हमारी एक्टिविटी है, और क्या दिखाएं आप लोग, जब यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ से दिखाना शुरू कर देंगे, आपको पता ही है जब यहाँ है तो यहाँ की जो एक्टिविटी है वो दिखा रहे हैं। हाँ उधर 100 का लगा हुआ था, 100 फुट वाला था $40। और पीछे ही आगे खड़ा हुआ तकरीबन $19 हमारा मसला हल हो गया था इससे। दो चाहिए एक ही चाहिए, नहीं एक ही चाहिए फिलहाल तो एक ही ठीक है यार, वरना तो बैक साइड में एक पर आगे कुछ है ही नहीं पानी देने के लिए, नहीं फिर भी कहीं गाड़ी गुड़ी को बंदा वाश कर देता है थोड़ा बहुत। चलो फिलहाल एक तो लगाए ना जाके, फिलहाल एक तो पौधों से तो मेरी जान चुकी है। अच्छा अब आप इतने परेशान, चाय अपनी ले लें मेरी छोड़ दें, इतने बड़े बड़े कप हैं, एक तो पीनी होती है फिर थोड़ी बनाना भाई, जब चाय बना रही बनाने दो ना। अच्छा वो मुझे दे दें, अब ये कम पड़ गई, कैंची दें, कैंची काटो वो कैंची दें, इसको काट दें ड्रॉप से का डर के दो दें इसको काटो या ओके आई नीड अ होल सुकीज जस्ट फॉर दैट, इसको काटना था या डन का द पार्ट इज मेल्ट इन दे इसको ना मेल्ट इन दे ओके क्या बोला मुझे चलो मिस्ट उड़ी जा रही है, मिस्ट बेचारी
अभी कुछ तो नहीं आ नहीं ठीक है। मेरे हाथ थक गए इन्हों पानी पिला पिला के जाए एक्टिविस्ट घर बैठे उन्होंने कहना पानी का लॉस अंकल बस आज थोड़ा जहा रफ रहा मैं कल पुट्टी भरी अज स्क्रैप करता हूं थोड़ा जहा खत फिर जरा जरा पूरी दीवार तेरे कर चुका और आज मार्किंग करके शीशे टंग होने यही सबसे बड़े जॉब भाई तो सिर्फ एक इंच जगह बचती है क्योंकि कभी इन उतारना पवे एक इंच इतो छड़ के इतने लेवल आएगा ओदा और इतने ते बस हुण मैं सिर्फ इन आज रा इन ते लगते इतने हाथ फेरना एक घंटा बैठेंगे उसके बाद शीशे टंग देंगे तो कि सर वाशिंग में रेडी बस फाइनली एक साल बाद की मतलब है वो तो चुप चुप आती खानी शुरू कर दी तू समझ कन्ना लगे तेन कुछ पता नहीं मैं सब चीज नजर रखना ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੀ ਗਰਮ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟਾ ਗੁੰਦੇ ਪਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਖਾਣੀ 2 ਦਿਨ ਸੇ ਪਰਾਠੇ ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਮੰਗਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਖੂਬ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਔਰ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ बहुत पुरानी अब डब्बे खुल रहे हैं आस्ते आस्ते कपड़े भी निकल रहे मैंने तो नहीं पाई थी कहां से आई है ये कमीज किसने दी है ये कमीज मर्जी करते खा है? मेरे को इतना टाइम नहीं जाए मैं तो आज ही देखी मैं तो नहीं देखी पहले कभी भी चलो खैर चल रोटी लेके मैं टेबल पे बैठने लगा तो मेरे आगे पेश कर सुनिया नहीं नहीं कभी सुन दोबारा कहने की आदत नहीं है हमीदा नाम है अब तो मैं मुझे खैर पहले भी याद था तो उन्होंने खुद भी फिर मैसेज में भी मैसेज छोड़ा उन्होंने सुन लेना सलाम दुआ और सबके लिए दुआएं जायरा का भी याद अलैना का भी उनको याद सबका नाम ले लेके उन्होंने कहा जी मेरा आज दिल किया तो मैंने कहा मैं मैसेज छोड़ू आप लोगों के लिए बड़ी खुशी हुई मैंने बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भी सलाम सबको घर वालों को क्योंकि सबसे ही मिले थे तो जाहिर है सबको हाँ सबसे मिले पूरी फैमिली दोनों भाइयों की फैमिली और बस और मैंने भी फिर जवाब में मैसेज छोड़ दिया क्योंकि देर हो गई थी मैंने कहा सो गए होंगे फिर मैसेज सलाम दो हमारी तरफ से भी गुड विशेज करती मैंने कुछ और शुक्रिया भी अदा कर दिया अच्छा वो एक चीज जो नया सुनने वाला उसको नहीं पता होगा भी किनका जिक्र किया ये हैदराबाद में फैमिली है डॉक्टर नबी बख्श बलोच बड़े हमारे लेजेंडरी थे बेचारे अल्लाह मगफरत करे उनको जन्नत में जगह दे उनके नाम से आप गूगल करें तो आपको सब पता लग जाएगा डॉक्टर नबी बख्श बलोच उनके नाम से हैदराबाद में रोड भी है सब कुछ है तो ये उनकी बेटी का जिक्र हो रहा खुद भी माशाल्लाह अब लेट एज के हिस्से में है लेकिन माशाल्लाह लगती नहीं हाँ माशाल्लाह देखने में बिल्कुल वो इतनी एज की नहीं लगती और तो उनकी बेटी की बात उनके घर हम मिलने गए थे उन्होंने बुलाया था एक्चुअली तो वो मिलने आए थे उनके बेटे हाँ उनका पैगाम लेकर एक्चुअली पैगाम लेकर वो खास हमारे आए उनके बेटे तो हमने कहा नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेंगे तो मैं उनका देख रहा हूँ क्योंकि नया जो उनको फिर पता नहीं होगा ये किनका जिक्र किया करके चुप करके तो बस वो बुजुर्गों की हमको दुआएं ही चाहिए और खुद बाकी खुदा का शुक्र हर चीज हर नेमत अल्लाह ने दी है और ये देख लें बेगम भी ऐसी दी है खाना तैयार करके तो मुझे पहले देखी खुद नहीं खाएगी पहले मुझे हाँ, खिलाएगी दो मिनट तेरी तारीफ है अपनी रोटी जल जाएगी दोबारा पहले ही जल अच्छा चलो ठीक अस्सलामुअलैकुम चलिए आपसे दिखा दें मैसेज में था अब मुझे नाम तो याद नहीं है कि भी आप
अंकल ये लाइटें जब लगाएं तो बाहर से वो भी तो दिखाएं। अब इनको अभी हमने ये देखें वो ज़मीन में गाड़ना है, क्योंकि हमारा यहाँ सारी स्टोन रखा हुआ है, वो इस तरह की ये लैंडस्केपिंग है कि इसमें कच्ची जगह बहुत कम है, वो अदर आगे है। अब ये देखें कि ये दरख्त के साथ मैंने लगा दी, ये सोलर पे जो चलती है, एक यहाँ लगा दी, एक उस तरफ भी देखें वो टिमटिमा रही है, चौथी कहाँ आ गई, एक ये रही, ये लगी हुई अच्छी लगती है। ये देखें इनका शेड और इनका वो, और दूसरी ये जो थी जो बाहर उन्हीं की तरह की, जैसे हम मैंने बताया था कि दूसरी भी हम लेकर आ गए, तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही, इतनी रात का फोगी सा है ये क्या है, लेकिन बहरहाल ये है लाइट, आपने कहा था बाहर से भी दिखाएं। बाकी फूल ही फूल माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। तो ये पाइप जो है ला के इसको थोड़ा सा चलाया था, तो अब इसका एक वो होता पूरा रोल करके जो वो एक आध दिन में वो भी लगा देंगे। तो सिलो सिलो काम फिनिशिंग बाहर, अब देखा जाए तो ये रह गया सिर्फ इसको पेंट करना जो फैंस को अंदर की तरफ से, क्योंकि मैं अंदर के छोटे छोटे जो काम है वो कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से अभी ये रहता है ये अलग। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको फिनिश कर लेंगे।